लेबनन में इसराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक हमले में लेबनन की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। हिजबुल्ला के गढ़ को इसराइल ने निशाना बनाया। रात भर हुए हमले में 6 लोगों की मौत। लेबनन में हिजबुल्ला के गढ़ दाहिद में इसराइल ने हवाई हमले किए। कैमरे में कैद बर्बादी की तस्वीरें जंग मैदान में मौजूद है। एबीपी न्यूज। इसराइल की स्ट्राइक में दाहिद इलाके में भारी तबाही हुई है। स्ट्राइक से ध्वस्त हो गई पूरी बिल्डिंग। वॉरजोन से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे जाबाज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल। दिल्ली में पकड़ी गई 5,000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में आरोपी तुषार की कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई है। आरोपी ने किया यूथ कांग्रेस के आरटीआई प्रमुख रहने का दावा। पांच हजार करोड़ की ड्रग्स के आरोपी का कांग्रेस कनेक्शन सामने आने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस से जुड़ा है तुषार गोयल। राहुल और सोनिया ने की नियुक्ति। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी ने समन भेजा है। अजहरुद्दीन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा है मामला। भारत के दौरे पर आए जमैका के पीएम एंड्री होलनेस के प्रोटोकॉल में बड़ी चूक की खबर है। संसद के गेट पर जमैका के पीएम को सुरक्षाकर्मियों ने रोक डाला। सुरक्षाकर्मियों को नहीं थी एंड्री होलनेस के संसद विजिट की जानकारी। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी की पूर्व सांसद रूपा गांगुली को गिरफ्तार किया है। बांसद्रोणी पुलिस स्टेशन में रात भर धरने पर बैठी थी रूपा गांगुली। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के आरोपी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा मिली। सूरज भान राजन तिवारी समेत 6 को बरी करने वाला हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। जेल में कैदियों से जाति के आधार पर भेदभाव के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सीजीआई ने कहा, अंग्रेजों ने कई जनजातियों को आपराधिक घोषित किया। स्वतंत्र भारत में उन जातियों को उसी निगाह से देखना गलत है। हरियाणा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। दिल्ली में सोनिया गांधी से कुमारी सैलजा ने की है मुलाकात। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। 36 बिरादरियों ने तय किया, कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, बोले नीतीश बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, विरोधी दल भी करेंगे नीतीश का समर्थन। बिहार के मुंगेर में अपराधियों ने आरजेडी नेता पंकज यादव को गोली मार दी। मॉर्निंग वॉक के दौरान पंकज यादव पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गंभीर हालत में आरजेडी नेता का अस्पताल में इलाज जारी। आरजेडी नेता पंकज यादव पर हुए हमले को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा है। प्रवक्ता इजाज अहमद बोले, बिहार में विपक्षी नेताओं को किया जा रहा है टारगेट, पुलिस का इकबाल खत्म हुआ। आरजेडी नेता पंकज यादव पर हुए हमले को बीजेपी ने दुखद बताया। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, सरकार करेगी कार्रवाई, छोड़े नहीं जाएंगे अपराधी।